नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको हर तरह की नोटिफिकेशन, सिलेबस, बुक लिस्ट या वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, आज हम लोग रीट की जो ऑफिशियल सिलेबस है वो क्या है और कौन कौन से टॉपिक को आपको कवर करना है, सब कुछ जानेंगे एक एक करके। दोस्तों देखो, सबसे पहले आप जान लो क्या है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस, शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। एक बात मैं बता दूं, मैंने ऑफिशियल चैनल से ये डाउनलोड किया है, आप भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, जो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं डाउनलोड कर सकते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें। मैं सारी पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं सीडीपी में, बाल विकास यानी कि सीडीपी जिसे आप कहते हो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की सिलेबस। देखो सबसे पहली बात, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और नंबर भी 30 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहला जो है बाल विकास आपको पढ़ना है, इसमें वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत और जो भी है आप देख सकते हो आराम से टेलीग्राम पे। आगे बढ़ते हैं, देखो अधिगम के बारे में पढ़ना है यानी कि लर्निंग के बारे में आपको पढ़ लेना है। और जो हिंदी वाले, जिनको इंग्लिश में ये सिलेबस देखना है, घबराए नहीं, इंग्लिश में भी मैं दिखाऊंगा। अब देखो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पढ़ना है, और रीट की प्रीवियस ईयर की पेपर अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी। दी एजुकेटर को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं कमेंट में चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग मिलजुल के करेंगे। अब देखो बुद्धि के बारे में पढ़ना है, व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में आपको पढ़ना होगा, और अधिगम की समझ यानी कि पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े हुए, और स्पेशल एबल्ड यानी कि जिसे आप लोग दिव्यांग भी बोलते हो, उनके बारे में आपको पढ़ना है। लर्निंग डिफिकल्टीज क्या क्या होती है, जो आप लोग जानते हो लर्निंग डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, वो भी आपको पढ़ना होगा। और शिक्षा का अधिकार यानी कि आपको 2009 और विद्या अध्यापकों की भूमिका और दायित्व यानी कि उनकी जो ड्यूटीज है उनके बारे में, एनसीएफ 2005 के बारे में आपको भी पढ़ना है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब देखिए इतनी ही छोटी सी सिलेबस है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है आपको इसके लिए कोई भारी भरकम बुक की ज़रूरत है। अगर आप जो है सीडीपी की क्लासेस को लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको अंत में बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा, जिससे आप सीडीपी के नोट्स मुझसे ले सकते हो। देखो अब यहां से देखते हैं, आप यहां से देख सकते हो इंग्लिश की, ये सिलेबस इंग्लिश में है, यहां से देख सकते हो पर्सनालिटी के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ है। तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये छोटी सी बातें थी लेवल 1 के लिए। अगर आप सीडीपी के नोट्स लेना चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स आप खरीद सकते हो मुझसे, यहाँ से आप मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हो, ये है व्हाट्सएप नंबर, कॉल नहीं करना है, आई रिक्वेस्ट यू डोंट कॉल। आप जो है 50 रुपीज़ का एक ट्रांजेक्शन करना है आपको इस मोबाइल नंबर पे, और स्क्रीन शॉट आप इस मोबाइल नंबर पे भेजोगे, मैं आपको 10 चैप्टर की, टेन जो टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं वो टॉपिक से करा दूंगा, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप जो है 50 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हो यहाँ से। दूसरी बात, अगर 10 आपने जो वो टॉपिक्स पढ़ा और अच्छे लगे आपको, तो और आप 10 टॉपिक इसी तरह से खरीद सकते हो, यानी कि 20 टॉपिक्स में आपकी पूरी रीट की सिलेबस खत्म हो जाएगी। मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, मेरे पूरे अनुभव का निचोड़ आप ले सकते हो। खरीदना चाहते हो तो आपको जो मोबाइल नंबर है इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं सीडीपी की वीडियो, और आगे तो है आप इसी तरह से ईबीएस और भी जितने भी सिलेबस की वीडियो है आपको मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर, इट्स पैंडेमिक टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर